जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है और हम मौजूद है कांग्रेस भवन में, जहां पे झारखंड यूथ कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक तो ओवर हो गई है और साथ ही जीएन भारत के साथ अध्यक्ष और साथ ही कार्य समितियों ने बात भी की। आपको बताते चले कि इस बैठक में युवा से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो, कैसे हर तबके के युवा को और हर एक युवा को जोड़ा जाए कांग्रेस से, इस तरह की बातों पर विशेष चर्चाएं की, स्ट्रैटेजी बनाएगी कि कैसे 2024 के लिए तैयारी किया जाए, युवा जोश के साथ 2024 में बीजेपी के खिलाफ उतरा जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर रणनीति तैयार हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और हमें भारतीय युवा कांग्रेस ने नया प्रभारी आज लगाया, तो हम आज यहाँ पहुँचे सभी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक की गई। आगामी दिनों में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम चलाए जाएंगे। प्रत्येक बूथ से करीब 10 युवाओं को यूथ कांग्रेस के साथ जोड़ा जाएगा और जो युवाओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा छलावा किया जा रहा है, अग्निपथ जैसी युवाओं के साथ कुठाराघात करने वाली योजना है, उस योजना का विरोध करने के लिए गांव-गांव ढांढ-ढांढ जाकर युवाओं के हक में लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा यूथ कांग्रेस द्वारा। और जिस प्रकार केंद्र सरकार ने युवाओं के नाम छल, पहले किसानों के साथ छल किया, किसान बिल लाए और किसानों ने आंदोलन किया तो वापस लिया, ऐसे ही युवाओं के खिलाफ अग्निपथ योजना लाई केंद्र सरकार। और आज युवा और यूथ कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है और अग्निपथ योजना को वापस कराने का काम करेगी। जो 4 साल के लिए युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और बाकी 22 साल का युवा भटक जाएगा, उसके बाद न तो उसको पेंशन दी जाएगी न उसे कोई रोजगार दिया जाएगा, उसका पूरे देश भर में विरोध है और यहाँ झारखंड में विरोध है। हम सब इसको विरोध कर रहे हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। पहले किसान जो बिल लाए उसके लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से इन्होंने अच्छा कहा, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि इन्होंने वापस लेना पड़ा। ऐसे ही अग्निपथ योजना को ये अच्छा बता रहे हैं इनके लोग, लेकिन आप सब सैनिकों के परिवार से आते हैं, आप भी युवा हैं, आप देख लीजिए 4 साल के बाद जिस युवा को पेंशन नहीं मिल सकती, जो 4 साल बाद रोजगार नहीं मिलेगा, 22 साल का युवा एक हथियार चलाना सीख जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, किस ओर हमारा देश जाएगा, आप सोच सकते हैं। बेहद ज़्यादा आप समझदार हैं, मीडिया के बंधु हैं, ये योजना सही है या गलत है। ऐसे ही किसान आंदोलन, किसान जो बिल्ला है गए थे 3 काले कानून, उसके बारे में बड़ा बड़ा चढ़ा के बोले कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है, लेकिन उनको पीछे मुक्की खानी पड़ी और ये वापस लेना पड़ा। ऐसे ही अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ी। कांग्रेस ये चाहती है कि पूरी नौकरी दी जाए, पूरी पेंशन दी जाए युवाओं को और जल्द से जल्द भर्ती खोली जाए, जिससे देश के सेना में लगने वाले युवा हैं अच्छे से नौकरी कर सके, पूरी पेंशन पा सके, अपना परिवार पालन कर सके। मैं मीडिया के माध्यम सभी से अपील करना चाहता हूं, इस प्रकार राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, और भी कई तरीके हैं आंदोलन करने के, उस पर इस तरह का आंदोलन किया जाए। इस आंदोलन में कई युवा ऐसे दिखाई दिए जिनकी उम्र पहले से देख के लग रहा है कि वो पार हो चुकी है, वो सेना में भर्ती होने लायक नहीं है, ऐसे लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा युवा किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, अपने परिवार और अपने देश और अपने गांव के लिए युवाओं के लिए लड़ाई लड़ेगा, तो क्या गलत बात थोड़ी है। और इसमें अधिकांश युवा कुछ का ही चेहरा खुला रहता है, अधिकांश युवा चेहरा ढक कर के ही आते हैं, यदि उन्हें प्रदर्शन करना है तो अपने आप चेहरा खुला। अभी केंद्र सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जो युवा इस प्रकार के आंदोलन करेगा तो उनके खिलाफ केस दर्ज करेगी, युवाओं को भविष्य खराब करने का काम कर रही है। तो एक आम युवा थोड़ा सदमा सा है, डरा हुआ सा लग रहा है, इसलिए हो सकता है कोई आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कोई मुंह ढक्का आया होगा, लेकिन आप कह रहे हो सकता है अभी गया होगा। ट्रेन जलाने के बाद एक केस दर्ज हुए, उसके बाद डर गया। हमारी जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो ये सारी योजना है, अभी हमारे भारत देश के साथ जो स्थिति हुई है, जो भाजपा की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसके बारे में भी चर्चा चल रही है कि हमको अपने देश को किस तरह से बचाना है, जो देश की आज स्थिति हो गई है उसको कैसे हमें संभाले, कैसे बचाए। हम यूथ हैं, हम कल यहाँ के भविष्य हैं, हमारे साथ जो छल कपट हो रहा है इसको बचाने
बातें हो रही है हमारी यूथ कांग्रेस की। बात बताइए, यंग महिलाओं के साथ बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा जो घटनाएं आ रही है रेप की, और जैसे खूंटी के एसडीएम गिरफ्तार हुए, आज अंशुमान आईएमएस ऑफिसर रेप के आरोप गिरफ्तार हुए, इतने बड़े बड़े अधिकारी जब इस मामले में गिरफ्तार हुए तो इस पर क्या कहेंगे आप के साथ रेप को? देखिए, ये बात मैं बोलना चाहूंगी, जो घटनाएं हो रहे हैं, जो रेप की घटनाएं हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, ये अभी हो रहे हैं। आपको पता है, आप थे, हम से, हम सबको पता है कि भारत देश में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी का सरकार आया है तब से ये घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हम सब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के शासन में। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ की बेटी पढ़ रही है, कहाँ की बेटी बच रही है, आए दिन यहाँ रेप हो रहे हैं, हम तो असुरक्षित यहाँ महसूस करते हैं। यानी एसडीएम रेप करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी? एसडीएम रेप करते उसको किसने दिया इतनी आज़ादी? किसकी सरकार है? अभी केंद्र की सरकार है, आज उसकी सरकार में ही आतंकवाद आ रहे हैं, उसकी सरकार में ही आज देश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो कुछ सरकारी है जो नरेंद्र मोदी के राज में कर रहे हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की आप प्रभारी बनी है, क्या कुछ रणनीति होगी अब आपकी? बिल्कुल, रणनीति हमारी बहुत मजबूत है। इस बार युवा कांग्रेस झारखंड में एक ऐसा परचम लहराने वाला है कि आप देखिएगा, हमारी सरकार तो है ही है और बहुत मजबूती से हम यहाँ, और इस बार हमारे ज़्यादा एमएलए चुनकर आएंगे, हमारे सांसद चुनकर आएंगे और युवा कांग्रेस सबसे स्ट्रांग तरीके से झारखंड में काम। तो आपने साफ तौर पर कहते हुए सुना कि यूथ कांग्रेस को मजबूत किया जाए, यूथ को एक एक लोग, एक एक यूथ को जोड़ा जाए ताकि यूथ आने वाले समय में हर चुनौतियों के लिए तैयार हो और पार्टी को और संगठन को एक नए मजबूती के स्तर पर पहुंचाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा श्रेया अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।